तो आदाब नमस्कार गुड इवनिंग सत श्री अकाल, एक बार फिर आप तमामों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। बात 2022 की है, अगस्त का महीना था। बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी एक महिला, जिनकी उम्र करीब 38 साल थी। शादी हुई नहीं थी, उन्होंने मैट्रिमोनियल साइट पर डाल रखा था अपना shaadi.com। इसी दौरान में उनको एक लड़का मिला उसी shaadi.com पर, और उसका जो प्रोफाइल था उसके हिसाब से वो एक डॉक्टर था, ऑर्थोपेडिशियन था। ठीक ठाक उसका CV, बायोडाटा, लड़का भी दिखने में ठीक ठाक स्मार्ट। उस साइट में जाने के बाद नंबर से दोनों की बातचीत हुई, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे लेडी उनकी और उन डॉक्टर साहब की। डॉक्टर साहब और लेडी की बातचीत होती रही। कुछ दिनों के बाद दोनों ने तय किया कि रिश्ता बिल्कुल ठीक है, सब गुण और सारी चीज़ें मैच कर रहे हैं, चलो शादी करते हैं। दिसंबर 2022 में, मतलब अगस्त में दोनों ने डाला था पहली बार आमना सामना, या मुलाकात अब होनी थी। तो दिसंबर 2022 में मिलने की बात हुई। डॉक्टर साहब ने कहा कि उनका घर मैसूर में है और वो वहीं रहते हैं। इसके बाद जो महिला थी उन्होंने कहा ठीक है मैं मैसूर आती हूँ। उन्होंने कहा आओ घूम भी लेंगे, आप एक दूसरे से मिल भी लेंगे। अब वो सॉफ्ट इंजीनियर मैसूर पहुंचती हैं, डॉक्टर साहब से मिलती हैं, दोनों घूमते हैं, साइट सीन भी करते हैं। इसके बाद लड़की वापस चली जाती है। अब रिश्ता फाइनल हो गया था। इसके बाद कार्ड वार्ड छपता है। विशाखापट्टनम, चूँकि उस लड़की के पूरे पूर्वज वहीं रहते थे, तो विशाखापट्टनम की वो रहने वाली थी, बेंगलुरु में जॉब करती थी। तो शादी के कार्ड वार्ड छप गए। 28 जनवरी 2023 को शादी की तारीख फिक्स थी। 28 जनवरी को अब डॉक्टर साहब अपने, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि उनके पेरेंट्स नहीं हैं, सिर्फ भाई हैं, कज़न हैं, तो कुछ रिश्तेदार हैं नज़दीकी, तो उनको लेकर वो विशाखापट्टनम पहुँचे। विशाखापट्टनम के एक शानदार होटल में डॉक्टर साहब उन सॉफ्टवेयर इंजीनियर की शादी हुई। शादी में दोनों तरफ से शामिल थे, लेकिन डॉक्टर साहब की तरफ से कम लोग थे, भाई, कज़न और कुछ दोस्त। शादी के अगले रोज़ 28 जनवरी को शादी हुई, 29 जनवरी को अब दोनों मैसूर आ जाते हैं। मैसूर में एक अपार्टमेंट में एक घर था। डॉक्टर साहब ने बताया कि फ़िलहाल वो यहाँ पर रेंट पर रह रहे हैं, क्योंकि उनका जो अपना घर है उसको लेकर प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है उनकी अपनी फैमिली भाइयों से। उन्होंने कहा ठीक है भाई। 3 दिन डॉक्टर साहब, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो उनकी पत्नी थी, उनके साथ रहते हैं। ठीक 4th दिन उसके बाद वो कहते हैं कि एक इमरजेंसी सर्जरी आ गई है, मुझे मुंबई जाना है, और ये कहकर वो घर से निकल लेते हैं। पर जाने से पहले अपनी बीवी को ये हिदायत देकर जाते हैं कि देखो अगर कोई ढूंढने आए मुझे तो ये मत बताना कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, बहुत सारे दुश्मन भी हैं, क्या पता क्या हो जाए, घर भी बहुत करोड़ों का है, हाथ से निकल जाए। बीवी समझदार थी, उन्होंने कहा ठीक है जी। अब वो चले गए। 3 दिन बीत गए। 3 दिन, अच्छा उन्होंने ये भी कहा सर्जरी है, चूँकि मैं डॉक्टर हूँ तो जब ऑपरेशन या कुछ करता हूँ तो मैं फ़ोन बिल्कुल अटेंड नहीं करता हूँ, तो तुम मुझे फ़ोन मत करना, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं खुद फ़ोन करूँगा। डॉक्टर साहब ने जाने के बाद 1 दिन तो फ़ोन किया, उसके बाद फिर फ़ोन नहीं किया। 3 दिन बीत गए, 3 दिन बाद आना था, डॉक्टर साहब लौटे नहीं, बीवी परेशान। आखिरकार उसने कई बार फ़ोन मिलाया, नहीं मिले। हफ्ता बीत गया। अब इस दौरान में बीवी ने अपने घर पर जब वो शिफ्ट हुई तो उसने अपने बक्से बैग वैग खोला, वो भौचक्की रह गई। उसकी सारी ज्वेलरी और करीब 10 लाख रुपए जो वो लेकर आई थी वो सब गायब। अब उसे लगा कि ये क्या हो गया, घर में चोरी हो गई क्या। फिर उसे लगा कि उधर डॉक्टर साहब फ़ोन नहीं उठा रहे, परेशान, अब किससे क्या कहे। हफ्ता और निकल गया, उसे लगा नहीं कुछ गड़बड़ है। फिर आखिरकार उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने जाकर पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट लिखा दी। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मेरी शादी हुई है और ये मेरे हस्बैंड 3 दिन के बाद गए हैं, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, घर से सारे पैसे गहने सब गायब है, कुछ गड़बड़ है। अब पुलिस ने कहा कि ठीक है चेक करते हैं। अब पुलिस ने जांच की, जांच के नाम पर पुलिस के पास एक मोबाइल नंबर जो डॉक्टर साहब का बीवी ने दिया। अब वो नंबर जो है बंद, कोई उठा ही नहीं रहा। खैर पुलिस ने उस नंबर के CDR निकाले, कॉल डिटेल रिकॉर्ड,
जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला तो पुलिस हैरान रह गई कि शायद किसी और के फ़ोन पर ऐसी चीज़ नहीं होती। उन्होंने देखा कि इस फ़ोन से कोई कॉल गया ही नहीं, इस पर सिर्फ कॉल आते हैं। अब पुलिस ने पता किया कौन कौन किस किस के कॉल आते हैं, तो जितने नंबर थे वो सिर्फ फीमेल के थे, महिलाओं के। अब ये बात पुलिस को बड़ी अजीब लगी कि एक नंबर है और उस नंबर से कभी कोई कॉल गया नहीं, और जितने नंबर आए उसमें किसी मेल का कॉल आया नहीं, सिर्फ फीमेल का। तो ये चक्कर क्या है? अब पुलिस ने कहा कि चलो इन नंबरों को टटोलते हैं। अब जितनी भी महिलाएं थे पुलिस ने उनसे बात की, लेकिन किसी ने पुलिस को कोऑपरेट नहीं किया। उसने कहा जी हम नहीं जानते वो कहाँ है, ये है और वो मेरे हस्बैंड है। अब जब दो तीन चार से पता चला पुलिस को कि हस्बैंड हस्बैंड बोल रही है, तो फिर ये किसका पति है, कौन? अब पुलिस को कुछ डाउट हुआ। लेकिन जितने भी फीमेल थी, जो नंबर थे, वो कहीं से भी मदद करने को पुलिस के तैयार नहीं। पुलिस परेशान, करे तो क्या करे। तब फिर पुलिस ने एक तरीका निकाला। उन्होंने देखा कि इनमें से जो सबसे ज़्यादा महिला बात कर रही है, फिर भी चलो उसको पर्सनली जाकर चेक करते हैं। पुलिस पहुंची, उसने कहा कि आप ये नंबर है, आपके पति हैं, आप बता रही हैं, तो बता दीजिए कहाँ है। तो उसने कहा कि देखिए हमें नहीं मालूम वो कहाँ है और मैं बता भी नहीं सकती। जब हार गई पुलिस, तब फिर पुलिस ने फ़ोटो निकाले और उसने कहा कि ये देखिए, ये दूल्हा दुल्हन, ये एक और तस्वीर में दूल्हा दुल्हन। क्योंकि कई महिलाओं से जब पुलिस ने बात की तो उन्होंने बताने से तो मना किया पर तस्वीरें दिखाई। अब पत्नी अलग अलग हैं, पति एक ही है, पुलिस ने फोटोग्राफ्स अपने पास रख लिए। एक महिला जिसने कोऑपरेट किया, फिर उसी को पुलिस ने, वो भी तैयार नहीं थी, तब पुलिस ने वो तस्वीरें दिखाई, बोली देखिए जो भी आप बताएंगे हम अपने तक रखेंगे, लेकिन ये सिर्फ आपके पति नहीं है। तो चौंकी, क्या मामला? उसने बाकी फ़ोटो दिखाने शुरू किया पुलिस ने। तो कायदे से इस दूल्हे को देखें तो इसे हम दूल्हा या शादी स्कैंडल भी कह सकते हैं। और स्कैंडल पर याद आया कि कुकू FM के ऑडियो बुक पर आप बॉलीवुड स्कैंडल की कहानी भी सुन सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत सारी। जैसे अभी हाल की जैकलीन फर्नांडिस, आपको पता होगा सुकेश तिहाड़ जेल में, उसको लेके क्या क्या चीज़ें हुई। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का ड्रग्स केस कैसे सुर्खियों में छाया रहा। इसके अलावा शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा का पूरा मामला जो है वो क्या था। संजय दत्त का केस आपको पता होगा। तो फिल्मी हस्तियों से जुड़े ऐसे लोगों के बीच बहुत सारे ऐसे स्कैंडल हुए। कुकू FM के ऑडियो बुक पर बॉलीवुड स्कैंडल में आप ये सारी कहानियां सुन सकते हैं। कुकू FM देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिसके 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं और यहाँ हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ ये लगातार बढ़ रहा है। कुकू FM ऐप पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं, जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स तमाम बुक हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए इस वक्त एक खास ऑफर है। कुकू FM ऐप के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट है। यानी पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपये में आपको 10,000 ऑडियो बुक का ऐसा खजाना मिलेगा, जिसे आप जहाँ चाहें सुन सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक QR कोड देख रहे हैं, इसे स्कैन करके डायरेक्ट कुकू FM ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा क्राइम तक फैमिली के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करें और कूपन कोड CRIME50 लगाएं, जिससे पूरी फैमिली को 50% डिस्काउंट के साथ 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपये में मिलेगा। तो पति एक, पत्नियां बदलती हुई। अब उस महिला को लगा ये गड़बड़ है। फिर उसने कहा ठीक है मैं आपको सच बताती हूँ। तो पुलिस ने कहा बताओ। उसने कहा देखिए उन्होंने ही घर जाने से पहले हमें ये कहा था कि हमारी एक प्रॉपर्टी है जिसका डिस्प्यूट है, उसको लेके बहुत सारे दुश्मन हैं, तो हो सकता है वो पुलिस में मेरे खिलाफ कंप्लेंट करें, पुलिस मुझे पूछने के लिए आए, ढूंढने के लिए आए, तो कभी तुम मेरे बारे में कुछ बताना मत, और इसीलिए मैं आपको नहीं बता रही थी। अब पुलिस को कहानी समझ में आई। फिर पुलिस बाकी औरतों के पास पहुंची जो अभी तक कुछ नहीं बता रहे थे, उनके साथ भी यही तरीका अपनाया, तस्वीरें दिखाई। वो चौंक गई कि इनका पति किसी और का भी कैसे। फिर पुलिस ने उनको जब सारी कहानी बताई तो हर औरत ने यही कहानी सुनाई कि उसके पति ने यही कहकर उसका मुंह बंद किया था कि उसकी प्रॉपर्टी का इशू है, जान को खतरा है, पुलिस वाले झूठे मामलों में जेल में डाल देंगे, इसलिए उसके बारे में कुछ मत बताना। अब जब ये सारी चीज़ें पता चली कि कुछ मत बताना, तो पुलिस को लगा पकड़ लेंगे। लेकिन अब पकड़े कैसे? जो नंबर है उसके CDR में सिर्फ इनकमिंग कॉल, वो भी तमाम महिलाओं के और किसी के नहीं। इसी दौरान पुलिस ने उन CDR को और खंगाला, फिर शॉर्टलिस्ट हुई 9 और नंबर।
अब जब उनसे बात की तो पुलिस यहाँ पर भी चौंकती है। जो 9 नंबर पे पुलिस ने अलग बात की, अलग अलग 9 नंबर थे, उनमें से किसी की शादी नहीं हुई थी, वो सब वेटिंग लिस्ट में थी, कतार में। तो पुलिस ने अब उनको खंगालना शुरू किया कि ये क्यों फ़ोन कर रही हैं, क्या वजह है। अच्छा, इस दौरान में इन सारी औरतों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि सभी मैट्रिमोनियल साइट पर गई, शादी.com पर, और वहीं के ज़रिए किसी से वो डॉक्टर बनकर मिला, किसी को इंजीनियर, किसी को बिजनेसमैन, किसी को सरकारी अफसर, और शादी हो गई। लेकिन पता चला कि हर एक की शादी के बाद 3-4 दिन वो साथ रहा, और उसके बाद उसके पैसे गायब, गहने गायब, और वो गायब। अब ये सारी सिमिलरिटी सारे केसेस में थी, पुलिस को लग गया कि ये एक बड़ा कोई केस है। अब पुलिस ढूंढ रही है, तभी ये 9 नंबर आ गए। अब यहाँ कहानी ये है कि इन 9 नंबरों में जितने भी ये 9 महिलाएं हैं, ये सारी कुंवारी हैं। तो सवाल ये है कि वो ठग, वो दूल्हा, इनका क्या करने वाला था। तो फिर पुलिस ने जब उनको अप्रोच किया और बताया कि देखिए आप किसी मुसीबत में फंस सकती हैं, इसलिए आप कॉपरेट कीजिए, तब उन सब ने बताया कि जो नंबर पर आप देख रहे हैं, जो हम बात करते हैं, इनसे हमारी शादी होने वाली है। तो कैसे मिले, तो वही मैट्रिमोनियल साइट। अब 9 से लगभग रिश्ता फाइनल हो चुका था, और उन 9 से अगले कुछ महीनों के अंदर अंदर बारी बारी से एक एक करके शादी होनी थी। अब पुलिस को लगा कि यह मामला तो बहुत ही बड़ा है। खैर, अब क्या करें। इधर डॉक्टर साहब के बारे में या जो भी था, सिर्फ इतना पता है कि वो मोबाइल यूज़ करता नहीं है, एक सिम यूज़ करता नहीं है। उसके अब परिवार के बारे में जानकारी जुटाएगी, पता चला बैंगलोर में परिवार रहता है, माँ बाप हैं, 2 भाई हैं, लेकिन बरसों से वो उनसे भी नहीं मिला। तो क्या किया जाए। इत्तेफाक से इन सारे नंबरों के जरिए पुलिस एक और नंबर पर पहुंचती है। एक नंबर ऐसा था जो उस शख्स ने गलती से किसी को डायल किया था। उस नंबर के थ्रू अब पुलिस उस तक पहुंचने की कोशिश करती है, और आखिरकार उसका लोकेशन मिलता है, और ये लोकेशन मिलता है उसको बेंगलुरु में कुवेम्पू नगर। जब लोकेशन मिलता है तो पुलिस की एक टीम पहुंचती है, और आखिरकार बड़ी मशक्कत के बाद अभी इसी 9 जुलाई को, यानी लगभग 15-18 दिन पहले, एक शख्स पुलिस के शिकंजे में आता है। पुलिस उसको पकड़कर थाने लाती है। अब उससे पूछताछ शुरू होती है। पहली बार उस शख्स का असली नाम सामने आता है। नाम था महेश बी नायक, उम्र 35 साल, 5वीं फेल, लेकिन अंग्रेजी ठीक ठाक बोल लेता, दिखने में हैंडसम, तस्वीर आप देख लीजिएगा। अब जब उससे कहानी शुरू हुई पूछताछ, तो पहले तो हमेशा की तरह हर मुजरिम की तरह उसने पुलिस को घुमाना शुरू किया, लेकिन फिर जब सारी तस्वीरें और सबूत सामने रखे गए तो फिर वो टूटा और खुला। अब उसने कहानी सुनाई। उसने कहा बचपन से उसके माँ बाप के साथ बनती नहीं थी, घर छोड़ दिया, शक्ल ठीक ठाक थी। उसने कहा कि कन्नड़ फिल्मों में किस्मत आजमाते हैं, कन्नड़ फिल्मों का रुख किया, लेकिन कोई ब्रेक नहीं मिला, कोई काम नहीं मिला, तो उसे बड़ा झटका लगा। उसने कहा अब क्या करें। चूंकि दिखने में ठीक ठाक था, तभी उसने कहा कि शादी करके पैसे कमाते हैं, कहीं उसने ऐसी कुछ खबर पड़ी थी ठग दूल्हों के बारे में जो शादी के नाम पर ठगते हैं। जब ये आइडिया आया उसको, तब वो मैट्रिमोनियल साइट पर गया। उसने अपने फेक आईडी बनाने शुरू किए, किसी में डॉक्टर, किसी में इंजीनियर, किसी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, किसी में बिजनेसमैन, किसी में सरकारी अफसर। और मेट्रोमोनियल साइट पर जाने के बाद ये टारगेट उन महिलाओं को करता जिनकी उम्र लगभग 35 से ऊपर हो, अगर डिवोर्सी हो तो और भी बेहतर है, और अमीर हो और ठीक ठाक हो। अब इत्तेफाक से जब इसने शुरुआत की तो ये सारी एक एक करके प्रोफाइल मिलता, फिर वो उससे मॉडस अपरंडी वही मुलाकात होती, फिर रिश्ते की बात होती, शादी की तारीख तय होती, और ये पहले बता देता मेरे माँ बाप नहीं है, भाई हैं और दोस्त हैं। अब ये उस शादी में अपने भाई और दोस्तों को जो ले जाता, ज़्यादा नहीं, 6-7 कभी 10, वो सब किराए के होते एक्टर एक तरह से, चूँकि वो कन्नड़ फिल्मों में काम करना चाहता था, उसे पता था जूनियर आर्टिस्ट बहुत सारे ऐसे घूमते रहते हैं, तो किसी को 3,000, किसी को 5,000, किसी को 10,000, उनके हुलिये के हिसाब से वो पैसा देता और उनको अपने साथ बाराती और अपना रिश्तेदार बनाकर ले जाता। उन्हें भी अच्छे अच्छे होटलों में खाने खाने को भी मिलता।
शादी होती है, अगले दिन ये निकल आता और मैसूर में एक इसने किराए का घर ले रखा और वहीं ले आता, फिर बोलता कि देखो अभी ये रेंटेड हाउस है, हमारी प्रॉपर्टी है करोड़ों की, बस वो केस ख़त्म हो जाए, हम उसी में शिफ्ट कर जाएंगे। और फिर किसी से कहता कि हमें क्लिनिक खोलनी है, किसी से कुछ और, कई बीवियों से पैसे लेता जो ना देती उनके चुराता और निकल लेता। एक ऐसी इसने एक डॉक्टर से शादी की, डॉक्टर से शादी करने के बाद वो क्लिनिक भी जाता अपनी बीवी के, और उस क्लिनिक में बैठकर इसने अलग अलग पोज में तस्वीरें खींच ली। अब उन्हीं तस्वीरों को ये मैट्रिमोनियल साइट पर जब डालता अपने आप को डॉक्टर बताकर, तो वो उस अपनी बीवी के क्लिनिक वाले डालता। कोई इंजीनियर मिल जाती तो उसके भी उसी तरीके का कुछ क्लिक करता और उसको साइट पर डालता और अपने आप को उसी पेशे का दिखाता। कुल 15 शादियां कर डाली उसने, कर्नाटक में, आंध्रा में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, इसी तरह मैट्रिमोनियल साइट के जरिए। इन 15 शादियों में से 3 बीवियों से उसके 5 बच्चे भी हुए, लेकिन किसी के साथ भी इसने महीने से ज़्यादा नहीं निभाया और हर एक को अपने काम का हवाला देकर निकल लेता। और हर एक बीवी से यही कहता कि देखो प्रॉपर्टी है, डिस्प्यूट है, जान का खतरा है, पुलिस में केस हो सकता है, मुझे पकड़ सकते हैं झूठे मामलों में, तो मेरे बारे में किसी को बताना मत। तो कोई भी बीवी किसी को बताती नहीं। दूसरा, जब एक लंबा वक्त हो जाता है इसको गायब हुए, फिर उनके पास जाता भी नहीं, तो उन्हें ये भी लगता कि उनके पैसे भी लुट गए। वो हमेशा पैसे लेके निकल लेता, क्या वो किससे कहें, क्योंकि जगह सही होगी, शादी के साथ धोखा, तो ये सारी चीज़ें कि फैमिली में लोग क्या कहेंगे, तो खामोश हो जाती हैं। कोई किसी को कोई इस बारे में बताता ही नहीं। 2013 में एक मौका आया था जब बेंगलुरु की एक लेडी ने, जो इंजीनियर थी, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की थी, क्योंकि ठीक 3 दिन के बाद शादी के वो भाग गया था और FIR लिखाई थी, लेकिन तब पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर उस वक्त एक्शन लिया होता तो शायद बहुत सारी दुल्हन बच जाती। तो खैर ये तो हुआ नहीं। अब वो शादी पे शादी करता गया, 15 शादियाँ कर चुका था। इसके बाद उसके जो सारी साइट और उससे डिटेल निकली, पता चला कि 9 कतार में थी, 9 और बीवियाँ उसको मिल चुकी थी जो अलग अलग पेशे की थी, और उनके साथ अब उसकी शादी होनी थी। लेकिन इससे पहले कि ये 9 शादी होती, पुलिस उस तक पहुंच गई। और कमाल ये है कि जितनी भी शादी इसने की महिलाओं से, वो कोई मतलब गांव देहात की उस तरह की नहीं थी, इनमें से ज़्यादातर सब पढ़ी लिखी थी, मतलब डॉक्टर थी, इंजीनियर थी, असिस्टेंट प्रोफेसर तक थी कॉलेज में, और उनको भी इसने इस तरीके से अपने झांसे में लिया। पूछताछ में इसने बताया कि कुछ लड़कियां और शादी करते करते बस रह गई। उसकी वजह ये थी कि जब इसने अपने प्रोफाइल डाले मैट्रिमोनियल साइट पर, तो बड़े बड़े ये लिखता था या तो डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ, तो जब वो फ़ोन पे बात करती थी उसके बाद, इसकी सिर्फ एक कमज़ोरी थी, ये बहुत अच्छी इंग्लिश बोल नहीं पाता था। तो बहुत सारे रिश्ते तो इसलिए टूट गए कि सामने वाले को डाउट हो गया कि यार ये डॉक्टर है, एक MBBS की इंग्लिश तो अच्छी होनी चाहिए, ये इंजीनियर है, इसकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, या प्रोफेसर है, ये सरकारी अफसर है, लेकिन ये इंग्लिश बोलते हुए अटकता है, इंग्लिश बोल नहीं पाता। तो बहुत सारी महिलाओं को डाउट हो गया और उन्होंने उससे किनारा कर लिया। तो इसका कहना है कि अगर इसके पास सिर्फ अंग्रेज़ी ज़ुबान होती, ये इंग्लिश अच्छी बोल लेता, तो फिर ये 15 क्या, शायद ये लिस्ट 50-100 तक पहुँच जाती, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने खुद डाउट जब आया तो रिश्ता तोड़ दिया था। तब वो 9 लड़कियां जब इसकी सच्चाई सामने आई मैट्रिमोनियल साइट पर, जिनसे इसकी शादी होनी थी, वो अपने आप को खुशकिस्मत मान रही हैं कि बच गई, और जो बाकी 15 हैं वो अपने किस्मत को पीट रही हैं कि कैसे उसके जाल में फंस गई और कैसे छोटी छोटी चीज़ों पर उन्हें उस वक्त शक करना था नहीं किया कि एक शख्स शादी करता है, किसी दूसरे शहर में ले जाता है, बताता है प्रॉपर्टी है, किराए के घर में है, 3 दिन के बाद गायब हो जाता है, उसके गहने पैसे गायब हैं, फिर भी वो चुप रहती है। तो इन्हीं खामोशी की वजह से ये लगातार इसके सर पर सेहरा सजता गया, दुल्हनों की तादाद बढ़ती गई, और शायद 15 और 9 अगर और काउंट कर ले तो 24 ये फिगर हो जाता। 9 जुलाई को बहुत सारे लोगों के ये दूल्हा साहब पुलिस की हिरासत में आए और इस वक्त जेल में है। पुलिस और भी ऐसी दुल्हनों की तलाश करेगी, क्या पता इसने सच बोला है, झूठ बोला है, तो उसके लिए उसके मैट्रिमोनियल साइट्स और बाकी सुराख के ज़रिए जो नायक साहब हैं उनकी नाम भी इन्होंने नायक रखा है, काम पूरा खलनायक वाला था, तो तलाश की जा रही है।
और फिलहाल दूल्हा अंदर है। कुल जमा जो अब तक हिसाब किताब लगाया गया 15 में से, जो मैंने आपको बताया जैसे कि 3 बीवियों से 5 बच्चे हैं इसके, इसके अलावा एक सारी रकम जोड़ी गई तो करीब 3 करोड़ रुपए इसने अपनी इन 15 बीवियों से लूटे या चुराए, 3 करोड़ रुपए। और कमाल ये था कि इसने अपना कभी कोई परमानेंट ठिकाना रखा ही नहीं। ये जब किसी शिकार को फांसता, जैसे फाइनल है कि अब शादी होनी है, उससे एक हफ्ता पहले किसी शहर में जाकर एक किराए का घर ले लेता और अपनी दुल्हन को वहीं लेकर आता और फिर तीसरे दिन निकल लेता। इसका अपना कोई घर नहीं था, इसने अपने पास सिर्फ 2 गाड़ी रखी थी और उसी गाड़ी से ये अलग अलग स्टेट में घूमता था। रहने के लिए तरीका इसका ये था कि जिन बीवी को ये शिकार बनाता, पैसे लूटता, तो सिर्फ उससे ऐश करता। वो वहाँ से निकलता, किसी और शहर में पहुँचता, वहाँ के किसी आलीशान होटल में चेक इन करता और फिर वहीं रहता। जब उसे लगता कि अब पैसे ख़त्म होने वाले हैं, तब तक मैट्रिमोनियल साइट्स पर दूसरे शिकार को चुन चुका होता। फिर उससे जब पैसे ख़त्म होते तो फिर तीसरा। 3 करोड़ रुपए उसने 15 दुल्हनों से कमाए, बाकी के 9 दुल्हनों से अभी उसको और कमाना था, लेकिन अब फिलहाल वो जेल में है। तो ये थी कहानी। मतलब इसको क्या कहेंगे, इस दूल्हे को आप नाम जो भी आप लोग नाम रखें, शातिर एक दूल्हा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसने अपने शिकार किसी, मतलब जिन्हें पढ़ाई लिखाई ना की हो, जिनको बाकी समझना हो, ऐसे लोगों को नहीं, सोसाइटी के इज्जतदार और पढ़े लिखी महिलाओं को बनाया जो तमाम अच्छे ओहदे पर अच्छे तबके से बिलोंग करती थी, बट उनको अपने जाल में फंसाया। ये इसके शातिरपन का एक सबूत है। तो ये थी आज की कहानी। लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला, आज पपीता अतिलकर इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पपीता अतिलकर जी। और ये ऋषंत जी की पत्नी है नागपुर से। साथ ही गौरव कुमार, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे गौरव, और ये जेवर से हैं। साथ ही गोपाल विश्वकर्मा, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे गोपाल, और रतन जी ने भेजा है। इसके अलावा दीपक बेहुरा, इनका भी बर्थडे, बल्कि 24th को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे दीपक। साथ ही नरेंद्र सिंह नेगी, मणिपुर की, इन्होंने की वो इंसिडेंट किया था, मैंने डिटेल में आपको सुनाई है 2-3 दिन पहले, आपको मिल जाएगी लिस्ट में नरेंद्र जी। अभिषेक तिवारी, थैंक यू सो मच आपका, और ये लखीमपुर खेरी से हैं। अमित टोरंटो से, थैंक यू सो मच अमित भाई। इसके अलावा शनि कुमार, थैंक यू सो मच शनि आपका भी। मोहम्मद किताबुद्दीन, ये यूपी से हैं और फिलहाल कीनिया में रह रहे हैं, थैंक यू सो मच, नाम आपका अच्छा है, किताबुद्दीन। प्रदीप कुमार, थैंक यू सो मच, ये राजस्थान से हैं। अनिल कलाथिया, ट्रेन जो उड़ीसा में हुआ था उसका अपडेट, उसके अपडेट में अब तक की जो इंक्वायरी आई उसमें 3 लोगों को पकड़ा गया है, और ये पूरी जो गलती मानी गई है वो है कि वो जो सिग्नल का सिस्टम था वहाँ पे इसमें गड़बड़ की गई, और इसीलिए सिग्नल डिपार्टमेंट से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मालती चौहान, थैंक यू सो मच आपका भी। तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू FM ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए खास ऑफर है, क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ आप जाएं और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाएं और कुकू FM के मजे लें। तो कहानी में आज इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच।